जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि अभी फिर से यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली हैं और यूपी पुलिस और लेखपाल, ठीक है, उसके अलावा वीडियो के भी एग्जाम होंगे दोस्तों, तो उन सबको देखते हुए हमने एक बेहतरीन ढंग से एकदम शुरुआत से हिंदी स्टार्ट की है आप लोगों के कहने पर। और ये आज उसकी तीसरी क्लास है, क्या है, थर्ड क्लास है। अगर इसके पहले के आपने दो क्लासें मिस कर दी हैं तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर, वहाँ आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ज्ञान बैच। क्या संपूर्ण हिंदी ज्ञान बैच 2022 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। वहां पर हमने एक क्रम से वीडियो लगाई हुई है। अभी कुछ मात्र दोस्तों ये तीसरी वीडियो है, दो वीडियो हम पढ़ा चुके हैं, तो जल्दी से दोस्तों आप उसको कवर कर लीजिएगा। उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे या फिर आप सीधा प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने हिंदी का जन्म देख लिया था, आज देखेंगे विकास क्रम, मतलब हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का। और आपको बता दें, थोड़ा सा हमारे वीडियो आने में लेट इसलिए है क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा मतलब दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं पढ़ने में, ठीक है, बहुत कम व्यू आ रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, तो आप देखिए, अब हम इसमें क्या है कि दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि 2021 में जो भी पेपर हुए, तुरंत पेपर हुए हैं रिसेंट, ठीक है, उनके भी क्वेश्चन हम इसमें ऐड करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो आपको बता दें दोस्तों कि सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, ठीक है, संस्कृत के बाद दोस्तों क्या आई, पाली भाषा आई, पाली के बाद क्या आई दोस्तों, प्राकृत आया, प्राकृत के बाद दोस्तों क्या आया आपका, अपभ्रंश आया, अपभ्रंश और उसके बाद अवहट आया। कोई कोई दोस्तों अपभ्रंश और अवहट को एक ही मानता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका हिंदी आ गया, ठीक, उसके बाद क्या आया, हिंदी आया है, ठीक है। और आपको एक दोबारा बताना चाहते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में देखना चाहें दोस्तों, देखिए संस्कृत के दो भाग हुए, पहले वैदिक संस्कृत थी, है ना, जिसमें वेद और पुराण लिखे गए। देखिए भाषा क्या होती है, जो कठिन होती है उसको हम थोड़ा सरल करते हुए जाते हैं, ठीक है। दोस्तों वैदिक संस्कृत थोड़ा कठिन थी और ये कब से कब तक चली, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ये रही, ठीक है। उसके बाद संस्कृत के अंदर एक आई लौकिक संस्कृत, जो लोगों द्वारा प्रचलित हुई, ठीक है, वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक चली। फिर उसके बाद दोस्तों कौन सी आ गई, पाली भाषा, ठीक है, पाली कब से चली, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक दोस्तों, ये गौतम बुद्ध की भाषा थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक दोस्तों प्राकृत आई, जिसने किसमें दोस्तों, महावीर स्वामी जी ने उपदेश दिए। उसके बाद दोस्तों आपकी आती अपभ्रंश, 500 ईस्वी लेके 1000 ईस्वी के बीच, और दोस्तों इसी के आसपास दोस्तों आपकी अवहट भी रहती है, और अवहट के तुरंत बाद दोस्तों हिंदी आती है जो कि 1100 ईस्वी से अब तक चल रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे ये सब चीजें हम बता चुके हैं, अब चलिए शुरू करते हैं, इसको बेहतरीन ढंग से समझते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय आर्य भाषा का कितने भागों में बांटा गया, दोस्तों याद रखेंगे भारतीय आर्य भाषा का विभाजन दोस्तों 3 भागों में कर सकते हैं, जो भी हमने पढ़ा है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, उनको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए कौन कौन से 3 भाग है दोस्तों, प्राचीन, पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, जिसका समय काल क्या है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। उसके बाद दूसरा आएगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। अब उसके बाद दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, 1000 ईस्वी से लेकर के दोस्तों अब तक आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब पहले हम देखेंगे प्राचीन आर्य भाषा काल, ठीक है, ये दोस्तों 1500 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक आया। इसको हम 2 भागों में मारकर पढ़ेंगे, पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत दोस्तों क्या है, कब तक चला दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत थी। उसके बाद दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक क्या आई आपकी लौकिक संस्कृत। तो चलिए वैदिक संस्कृत के बारे में देखते हैं, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद अगर देखते हैं कि मध्यकालीन आर्य भाषा कितने भागों में, इसको 3 भागों में मार लेते हैं, ठीक है, 3 भागों मार लेते हैं, ठीक, जैसे कि कौन कौन से, पहला है पाली, फिर प्राकृत दोस्तों, ठीक है, पाली प्राकृत, उसके बाद दोस्तों अपभ्रंश, ठीक है, मुख्यतः 3 ही है दोस्तों, कोई कोई अवहट्ट भी कह सकता है, तो ये चीज याद रखेंगे, पाली प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है। दोस्तों आधुनिक की बात करते हैं, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल क्या है, 1100 ईस्वी से लेकर के दोस्तों अब तक है, ठीक है। और इसे भी 3 भागों मारते हैं, पहला है प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों किसके बारे में देखेंगे, जो है हमारी आर्य भाषा, ठीक, आर्य भाषा हमने बताया 2 भागों बांटते, पहले संस्कृत, ठीक है, अब संस्कृत 2 भागों बढ़ गई। चलिए अब देखते हैं वैदिक संस्कृत, चलिए वैदिक संस्कृत और दोस्तों लौकिक संस्कृत, दो संस्कृत हैं, तो इनके बारे में देखते हैं।
देखिए सबसे पहले वैदिक संस्कृत का काल कब से कब तक है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। अब देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना क्या है, वैदिक साहित्य में दिखाई देता। किसमें दोस्तों? वैदिक साहित्य, जिसमें वेद वेद लिखे गए, ठीक है। और वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत से हुआ है, ठीक है। वैदिक साहित्य जो है दोस्तों, उसका सृजन कहां से हुआ है? वैदिक संस्कृत से। और एक चीज याद रखेंगे कि वैदिक संस्कृत को दोस्तों वैदिकी, वैदिक छंदस या फिर छांदास भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए वैदिक संस्कृत वही संस्कृत है जिसमें दोस्तों वेद, ठीक है, उपवेद, वेदांत, पुराण और उपनिषद इनकी रचना की गई। देखिए कितने वेद हैं? चार वेद लिखे गए, चार उपवेद लिखे गए और वेदांत दोस्तों 6 लिखे गए, पुराण 18 और उपनिषद लगभग 108 माने गए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके UPASI में पूछा गया था पिछली बार कि उपनिषदों की संख्या कितनी, तो 108, ठीक है। चलिए अब देखिए, ठीक, अब देखिए और क्या है कि वैदिक साहित्य को दोस्तों तीन विभागों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से विभाग हैं? पहला है संहिता, फिर दूसरा है ब्राह्मण और तीसरा है उपनिषद। अब बात करते हैं दोस्तों वैदिक संस्कृत की, तो इसमें दोस्तों टोटल 52 ध्वनियां हैं, ठीक है, जिनमें दोस्तों 13 स्वर और 39 व्यंजन है, ठीक। कितने हैं वैदिक संस्कृत में? कितनी ध्वनियां थी? 52 ध्वनियां। आपको पता अभी भी 52 ही है, ठीक है, हिंदी में 52 है, मगर दोस्तों अब स्वर कितने हैं? 11 है, जिसमें दो अयोगा हो जाते हैं, ठीक, इस तरह से मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए बात करते हैं संस्कृत भाषा सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखा गया? वेद। और वेदों में सबसे पहले क्या लिखा? ऋग्वेद। तो याद रखेंगे कि संस्कृत भाषा का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है, तो ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए अब आपको बता दें कि दोस्तों संस्कृत भाषा को हम प्रथम आर्य भाषा भी कहते हैं और देव भाषा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्य भाषा, ठीक, क्योंकि आर्यों की भाषा थी, और देव भाषा देवताओं की भी भाषा संस्कृत थी, ठीक। तो संस्कृत को याद रखेंगे कि संस्कृत को ही दोस्तों आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। और आपको बता दें कि हिंदी की आदजननी भी वैदिक संस्कृत को कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके UPSI अभी इसी साल पूछा गया, क्या हिंदी को दोस्तों आदजननी कहते हैं? क्या बोलते हैं? हिंदी की आदजननी किसको बोलते हैं? वैदिक संस्कृत या फिर संस्कृत को, ठीक है। याद रखेंगे वैदिक संस्कृत को हिंदी की आदजननी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि हिंदी संस्कृत भाषा की ही उत्तराधिकारी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2017 वाले पूछा गया था। और दोस्तों एक चीज और बता दें कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना, 2017 के UPSI पेपर में ये पूछा गया था। चलिए अब देखिए वेद क्या होता है दोस्तों। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और इनकी संख्या कितनी? चार है। आपको भी पता होगा पहला है ऋग्वेद, आपको बता दें ऋग्वेद में दोस्तों देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ऋग्वेद का दोस्तों ऋग प्लस वेद होता है दोस्तों, और ऋग का अर्थ क्या होता है? स्तुति करना, ठीक है, प्रार्थना करना, ठीक है। और ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10580 ऋचाएं हैं, ठीक, ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों पूछा था कौन सा वेद दोस्तों गद्य और पद्य में है, तो दोस्तों यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। सामवेद में दोस्तों संगीत का वर्णन है, और अथर्ववेद में दोस्तों क्या है? जादू टोना तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख है। तो वेद समझ गए होंगे। अब दोस्तों आपको बता दें चारों वेदों के एक एक आपको बता दें कि चारों वेदों के एक एक उपवेद भी हैं, ठीक है। जैसे आयुर्वेद किसका उपवेद है दोस्तों? तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का। और गंधर्ववेद किसका है? सामवेद का। और शिल्पवेद किसका है? तो अथर्ववेद का उपवेद है, ठीक। तो ये भी याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों वेदांत का होता है। वेदांत का तो जहां वेदों का अंत हो जाए दोस्तों उसको वेदांत कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से हैं? तो आपको बता दोस्तों शिक्षा हो गया, शिक्षा आप जानते हैं। कल्प क्या होता है? कर्मकांड होते हैं कि दोस्तों जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी काम कर्मकांड होते, नियम होते हैं उनका उल्लेख किया गया, ठीक है। अगला व्याकरण, और व्याकरण की रचना अष्टाध्यायी दोस्तों आपको पता पाणिनि द्वारा की गई है। निरुक्त हो गया, छंद हो गया और ज्योतिष हो गया, ये 6 आपके वेदांत हो गए, ठीक है। चलिए अब पुराण कितने? 18 हैं। इनकी संख्या क्या है? 18 देख सकते हैं आप। विष्णु पुराण, पद्मा पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, ठीक है, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण है ना, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, पुराण स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड तथा भविष्य पुराण, ठीक है। चलिए तो ये याद रख लिए। अब देखिए हम बात करेंगे उपनिषद की। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। और टोटल दोस्तों कितने उपनिषद है? लगभग दोस्तों 108 है। और ये आपके UPASI में पूछा गया क्वेश्चन था कि कितने उपनिषद है दोस्तों, तो कितने हैं? 108 है, ठीक है। अब आपको बता दें मांडूक के उपनिषद जो दोस्तों सबसे छोटा उपनिषद है, जिसमें केवल केवल मात्र 12 श्लोक है, सबसे छोटा मांडूक उपनिषद है ना। और सबसे बड़ा कौन सा दोस्तों? तो बृहदारण्यक है ना, याद रखें। और दोस्तों सप्तमेव जयते किस उपनिषद से लिखा गया है? तो मुंडकोपनिषद से दोस्तों सप्तमेव जयते लिया गया। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए वैदिक संस्कृत हो गई, जिसमें वेद पुराण
और वेदांत सब लिखे गए हैं। अब बात करते हैं लौकिक संस्कृत। देखिए लौकिक संस्कृत क्या होता है, लोक द्वारा प्रचलित। देखिए कोई भी भाषा कठिन हो तो उसको हम सरल करते जाते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने कहा द्विवर्ण, द्विवर्ण क्या हो दोस्तों, द्विवर्ण बहुत कठिन लगता था, इसीलिए इसका शॉर्ट करते करते हम क्या कह दिए, हम देवर कहने लगे ना दोस्तों। यही चीज होता है कि भाषा को हम सरल से सरल करते जाते हैं, ठीक। किसी भी चीज को सरल से सरल तरीके समझना चाहते हैं, इसलिए दोस्तों भाषा में भी परिवर्तन होता है। कोई कठिन होता है उसको हम सरल करते जाते हैं और वही भाषा का परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए लौकिक संस्कृत देखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बता दें लौकिक संस्कृत का जो काल है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। देखिए लोक में प्रचलित संस्कृत को हम लौकिक संस्कृत कहा जाने लगा, और इसमें देखिए इसमें 48 ध्वनियां बची, ठीक है। और आप बता दें कि लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नियमबद्ध किया है दोस्तों, याद रखेंगे। पूछ सकता है कि लौकिक संस्कृत को किसने दोस्तों नियमबद्ध किया, तो पाणिनि ने किया। किसमें किया है, तो इनकी अष्टाध्यायी में, ठीक है। आपको बता दें कि लौकिक संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से हैं, याद रखेंगे, ठीक है। यहां से रचनाएं पूछ जाती हैं, वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखा गया, वेदव्यास जी द्वारा दोस्तों क्या लिखा गया, महाभारत लिखा गया, बहुत ही प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। पाणिनि द्वारा दोस्तों अष्टाध्यायी बहुत बार पूछा गया, चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र, वात्स्यायन द्वारा दोस्तों कामसूत्र, ठीक, भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, महर्षि द्वारा दोस्तों काव्य दर्शन, भामा द्वारा काव्य अलंकार, ठीक, और राजशेखर द्वारा काव्य मीमांसा दोस्तों। और वही बात करते हैं राजा भोज द्वारा तो सरस्वती कंठा भरणन है ना, और दोस्तों आचार्य मम्मट द्वारा काव्य प्रकाश, हेमचंद द्वारा काव्य अनुशासन, और आचार्य विश्वनाथ द्वारा साहित्य दर्पण। वही बात करते हैं जगन्नाथ द्वारा तो रस गंगाधर, शूद्र द्वारा मृच्छकटिकम, और दोस्तों विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा, और भवभूत ने लिखा दोस्तों क्या, मालती माधवम, ठीक है। वहीं अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रम लिखा है, हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली लिखा है, वहीं भारवी ने क्या लिखा है, किरातार्जुनीयम है ना, और दोस्तों कल्हड़ द्वारा लिखा गया है राज तरंगणी दोस्तों, और ये बहुत ऊंचा थे कालिदास के। तो अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार वंशम और विक्रमो वर्षीयम और कुमार संभव और ऋतु संहार दोस्तों, ये आपके महाकवि कालिदास है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, शेक्सपियर बोलते हैं ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, मध्यकालीन आर्य भाषा का काल आपको पता है 500 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक चला, ठीक है। इसमें मुख्यतः दोस्तों तीन भागों में पाली, प्राकृत, अभ्रंश, ठीक, और अवहट भी हम देख लेंगे थोड़ा बहुत। चलिए पाली देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पाली काल कब से दोस्तों, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक। देखिए पाली का अर्थ क्या होता है, बुद्ध वचन, क्या दोस्तों, बुद्ध वचन को हम पाली बोलते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि भारत की प्रथम देशभाषा क्या है, तो पाली। देखिए देशभाषा और देवभाषा में कंफ्यूजन मत करिएगा, देवभाषा क्या है, तो देवभाषा दोस्तों देवताओं की भाषा क्या है, तो संस्कृत हो जाएगी, और देश भाषा दोस्तों क्या हो जाएगी, ये पाली हो जाएगी, जो कि गौतम बुद्ध द्वारा इसका विकास किया गया, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आता है कि इससे दोस्तों प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, क्वेश्चन आया था यूपीएससी इसी साल 2021 में पूछा गया दोस्तों, प्रथम प्राकृत किसको कहते हैं, प्राकृत भाषा भी किसको कहते हैं, तो दोस्तों पाली को ही कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृत दोस्तों इसे प्राकृत भी कहते थे, ठीक, और प्रथम प्राकृत कह सकते हैं, ठीक है। इसको तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है, ठीक। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी देखिए यहीं से दोस्तों दो तीन क्वेश्चन पूछ ले गए थे, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया इसी साल कि दोस्तों पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है, तो कच्चायन है। कौन है दोस्तों, कच्चायन। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है, तो कच्चायन है। देखिए इसी साल तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं पाली से ही। और संस्कृत भाषा की अभ्रंश भाषा कौन है, तो पाली है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि संस्कृत से जैसे कुछ बिगड़ा है, अभ्रंश का होता पतन, जैसे संस्कृत का पतन हो गया है पाली आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि ये तीनों क्वेश्चन आपके इसी साल दोस्तों यूपीएससी में पूछे गए हैं, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और सबसे अच्छा कारण क्या है हमसे पढ़ने दोस्तों, हमने इनको नए ढंग से सजाया है, जो भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी में 54 सेट में पूछे गए दोस्तों उनको भी हम इसमें शामिल करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है प्रथम प्राकृत पाली के अंतर्गत दोस्तों अभिलेखी प्राकृत या अभिलेखी ना, इनको दोस्तों जो प्राकृत है दोस्तों पाली, देखिए प्रथम प्राकृत को ही पाली कहते हैं, इसके अंतर्गत दोस्तों अभिलेखी प्राकृत या फिर शिलालेखी प्राकृत भी आए दोस्तों, मतलब कि अभिलेख भी लिखे गए और शिलालेख भी लिखे गए। और दोस्तों ये देखिए ये 2000 अभी दोस्तों एएसआई पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, इसी साल एएसआई का क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध द्वारा सभी उपदेश किसमें दिए गए, पाली भाषा में ही दिए गए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए जो दोस्तों बौद्ध धर्म के साहित्य त्रिपिटक भी है दोस्तों, वो भी पाली भाषा में लिखे गए। कौन कौन से त्रिपिटक है आपको पता होना चाहिए, सुत्त पिटक जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेश दिए गए, और विनय पिटक दोस्तों आचार व्यवहार के बारे में बताया गया इनके, और दोस्तों अभिधम्म पिटक में इनके दर्शन से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि बौद्ध के त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए, तो पाली भाषा में। कितने हैं, तीन है पिटक, कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ग्रंथ हैं, जैसे दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, मिलिंद पन्हो हो गया है ना, अट्टकथा हो गया, आदि साहित्य ग्रंथ की रचना किसमें की गई है, पाली भाषा में ही की गई है। चलिए और आपको बता दें दोस्तों कि पाली भाषा
भाषा में तीन व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं। पहला है कच्छान व्याकरण, दूसरा है मोगलान व्याकरण और तीसरा है शब्द नीति। ठीक, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। हमने बता भी दिया कि कैसे क्वेश्चन आपके इस बार यूपीएसआई में पूछेगा। देखिए, पाली भाषा को लेकर दोस्तों विद्वानों मतभेद है। कोई कहता है दोस्तों कि पाली भाषा का जो भाषा प्रदेश था वो श्रीलंका, देखिए कुछ एक विद्वान है श्रीलंकाई बौद्ध या फिर दोस्तों चाइल्डर्स का बोलते हैं ये मगध के आसपास की भाषा थी। ठीक है, एक है दोस्तों वेस्टरगार्ड या फिर स्टेन कोनो कहते हैं ये उज्जैनी या फिर विंध्य प्रदेश की भाषा थी। ठीक है, और जॉर्ज ग्रियर्सन और राहुल सांकरत्यान क्या कहते हैं ये मगध के आसपास की भाषा थी। और दोस्तों ओल्ड एन वर्ग क्या कहते हैं कलिंग की है भाषा। ठीक है, कलिंग के आसपास की। और दोस्तों रीज डेविडन क्या कहते हैं दोस्तों ये कहते हैं कौशल प्रदेश की भाषा। और सुनीति चटर्जी दोस्तों और उदयनाथ तिवारी दोस्तों कहते हैं कि मध्य देश की भाषा है। और देवेंद्रनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि दोस्तों ये मथुरा के आसपास की भाषा। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें जो सर्वसम्मत से विद्वानों द्वारा स्वीकारा गया क्या बोला है कि सर्वसम्मत से विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य प्रदेश की बोली को स्वीकार किया है। ठीक है, देखिए आपको बता दें कैसे परिवर्तन होता है, देखिए कैसे परिवर्तन होते हैं भाषाओं में। देखिए संस्कृत में दोस्तों अक्षर बोलते थे, अब पाली में इसको अक्षर कहने लगे। ठीक, देखिए कितना कंफ्यूजन अलग हो, मतलब कितना अलग कर दिया। देखिए संस्कृत में आर्य को क्या कहते हैं, पाली में आर्य कैसे लिखेंगे, आर्य लिख देंगे। ठीक है, और दोस्तों संस्कृत में चक्र लिखते हैं, चक्र को पाली भाषा में लिखेंगे चक्र कह देंगे। देखिए, और दोस्तों संस्कृत में दुख ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे दुख कर देते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। ठीक, पाली और संस्कृत में यही परिवर्तन, जैसे क्षेत्र को खेत कहने लगे, मार को मग कहने लगे, मोच को मोख कहने लगे और सत्य को सच कहने लगे। दोस्तों ये प्राकृत है, ये संस्कृत है। आप देख सकते हैं कितना परिवर्तन हो गया ना, बहुत सरल हो गया। ठीक है, बहुत सरल हो गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों प्राकृत आ गए। प्राकृत एक ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक दोस्तों आपको बता दें प्राकृत के बारे में अगर बात आती है तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने सभी उपदेश दोस्तों प्राकृत भाषा में दिए। ये आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन है इसी साल 2021 का। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने किसमें उपदेश दिए हैं तो प्राकृत भाषा में। गौतम बुद्ध ने किसमें दिए तो पाली भाषा में, ये याद रखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि जैन ग्रंथ जिन्हें हम आगम साहित्य के नाम जानते हैं वो भी प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण नाम की एक पुस्तक लिखी। आप बता दें कि दोस्तों हेमचंद्र के अनुसार प्राकृत का जन्म किससे हुआ, संस्कृत से हुआ है हेमचंद्र के अनुसार। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके इसी बार यूपीएसआई में पूछा गया है कि हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिन भी कहा जाता है। ठीक, 2021 में अभी इसी साल पूछा गया कि प्राकृत का पाणिन किसको कहते हैं तो हेमचंद्र को। दोस्तों आपको बता दें जिन जिन बच्चों ने ये बुक हमसे ली थी उनको पता होगा कि हमारे कंटेंट से कितना उसमें फंसा है आपके यूपीएसआई में। ठीक है, बहुत ही नफसा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्राकृत में लिखे ग्रंथ की बात करते हैं तो सर्वसेन ने दोस्तों क्या लिखा है, हरि विजय। ठीक है, प्रवर सेन द्वितीय ने क्या लिखा है, रावण बाहु। और उदयोतन ने क्या लिखा दोस्तों, कोलयमाला। ठीक है, देखिए ये रचना है कौतूहल किसने लिखी है तो लीलावती की है ना। और दोस्तों अब्दुल रहमान ने क्या लिखी है तो संदेश राशक लिखी है। संदेश राशक दोस्तों ये किसी मुस्लिम द्वारा लिखा गया पहला ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल कि विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है दोस्तों, तो प्राकृत है। ठीक, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में इसी साल पूछा गया। चलिए अब बात करेंगे अपभ्रंश। देखिए अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है पतन, गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप को हम दोस्तों अपभ्रंश कह देते हैं। क्या कहते हैं, कोई चीज का पतन हो रहा हो, गिरा हुआ हो, बिगड़ा हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अपभ्रंश बोलते हैं। और देखिए एक चीज बता दें, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अपभ्रंश का कार्यकाल क्या होता, कितने समय से कितने समय तक, तो अपभ्रंश का काल पूछा गया था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। देखिए ये क्वेश्चन आपके इसी बार यूपीएसआई में पूछा गया, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन था कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग किसने किया, तो पतंजलि जी ने किया, किसमें, अपनी महाभाष्य में। किसमें अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग कहां मिलता है, तो पतंजलि के महाभाष्य में। और आपको बता दें कि अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण दोस्तों आपको बता दें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, जिसमें उन्होंने अपभ्रंश का बोला है, विभ्रष्ट बोला है। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें कि महर्षि दंडी जी ने काव्य दर्श में अपभ्रंश क्या बोला, आभीर बोला है। और आपको बता दें दोस्तों कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी ने के अनुसार दोस्तों भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग, प्रथम प्रयोग ना, भाषा के आधार में अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग किसने किया है, चंद्र जी ने किया है अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे किसके अनुसार किसने कब किया। ठीक है, अगला है दोस्तों आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को रणे भाषा कहा है। ठीक, और वही बात कर ले अपभ्रंश के अनेकों विद्वानों दोस्तों इसके अलग अलग नाम से पुकारा, जैसे किसी ने विभ्रष्ट कहा है, किसी ने आभीर कहा है, किसी ने अवहंस कहा है, किसी ने अवहट कहा है, किसी ने पटमंजरी कहा है, किसी ने अवहत कहा है, किसी ने अवहट कहा, किसी ने अवहट आदि नामों से पुकारा गया है। अब बात करते दोस्तों अपभ्रंश में कितनी ध्वनियां दोस्तों रह गई थी, तो 40 ध्वनियां रह गई थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया अपभ्रंश में कुल स्वर कितने हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके इसी साल यूपीएसआई में पूछा गया।
गया है, तो अब भ्रंश समय कुल कितने स्वर हैं दोस्तों, 8 स्वर हैं। कितने? 8 स्वर हैं। और आपको बता दें कि पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक भाषाओं, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास कहां से माना था दोस्तों, तो अपभ्रंश से माना था। किससे? अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत, देखिए अपभ्रंश में साहित्य रचना सर्वप्रथम कहां मिला है, तो बल्लभी के राजा धर्तेन के द्वितीय के शिलालेख द्वारा मिलता है, ठीक। अपभ्रंश का सबसे पहले कहां मिलता है दोस्तों साहित्य, तो आपको बता दें बल्लभी के राजा धर्तेन द्वितीय के शिलालेख से मिलता है। और आपको बता दें हेमचंद ने दोस्तों देशी शब्द संग्रहों नाम से एक नागर अपभ्रंश में लिखा गया है दोस्तों, उसका नाम है अपभ्रंश का व्याकरण, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपभ्रंश के भेद कितने हैं, तो आपको बता दें कि उत्तर भारत में दोस्तों 7 भेद प्रचलित थे। पहला दोस्तों सौर सैनी, ठीक है। अब देखिए इन अपभ्रंश से ही कुछ भाषाएं निकली हैं हिंदी की दोस्तों, सौर सैनी से कहने के लिए पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी दोस्तों। ये पूछा गया था इसी साल की राजस्थानी किस अपभ्रंश से निकली, सौर सैनी, ठीक है। देखिए पैसाची दोस्तों लहंदा और पंजाबी निकली है। आपको बता दें इस बार पूछा गया कि लहंदा किससे निकली है दोस्तों, पैसाची से। यही इसी साल दोस्तों यूपीएसआई 2021 में, देखिए यहीं से कितने सारे क्वेश्चन बने हैं। ब्राचड़ दोस्तों, ब्राचड़, अब ब्राचड़ दोस्तों पूछा गया था सिंधी किस अपभ्रंश से निकली, तो ब्राचड़ से। देखिए इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है खस से दोस्तों कौन से निकली, पहाड़ी निकली है। और दोस्तों मराठी पूछा गया था, मराठी किस अपभ्रंश से निकली, तो महाराष्ट्र से, ठीक है। और याद रखेंगे पूर्वी हिंदी से दोस्तों पूछा गया था पूर्वी हिंदी किसके अपभ्रंश से निकली, तो दोस्तों अर्धमागधी, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया दोस्तों, याद रखेंगे। और दोस्तों पूछा गया था बिहारी हिंदी किससे निकली, तो मागधी अपभ्रंश से, ठीक है। तो ये सभी चीजें पूछी गई हैं। अब देखिए और कौन कौन से पूछेगा क्वेश्चन, तो याद रखेंगे खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेन अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, ये दोस्तों पूछा गया था 2021 में। किससे हुआ? उत्तरी रूप के, अपभ्रंश के उत्तरी रूप से दोस्तों सौरसेनी या फिर खड़ी बोली का, खड़ी बोली या कौरवी का विकास हुआ। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं दोस्तों, खड़ी बोली को किस नाम जानते हैं, कौरवी नाम से। ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में इसी साल। और दोस्तों ये भी पूछा गया सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ है, तो ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का भी विकास हुआ दोस्तों, ये 2021 में ही पूछा गया। और आपको बता दें यही क्वेश्चन दोस्तों 2021 में फिर पूछा गया, चंद्रसर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को दोस्तों पुरानी हिंदी कहा, क्वेश्चन आया था कि पुरानी हिंदी अभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा। यह क्वेश्चन भी आपके इसमें छपा था। और दोस्तों याद रखेंगे कि विद्यापति ने उत्तरी अभ्रंश को दोस्तों देसिल बैना कहा है, और रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों उत्तरी अभ्रंश को प्रकृताभास हिंदी कहा है। और दोस्तों वहीं भोला शंकर और अब्दुल रहमान ने अभ्रंश को अवहट्ट कहा है, और अभ्रंश के प्रथम रणाचार्य कौन है दोस्तों, हेमचंद जी हैं। कौन है? हेमचंद जी। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। कुछ रचनाकार देख लेते हैं दोस्तों अभ्रंश के, दोस्तों एक है स्वयंभू, जिन्हें दोस्तों हम अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन्होंने पौमचर्यु नाम की एक रचना लिखी जिसपे दोस्तों राम जी का वर्णन किया गया, ठीक। 2021 में पूछा गया था कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं, तो दोस्तों किसको कहते हैं, स्वयंभू जी को, ठीक है। एक है पुष्यदंत जी दोस्तों, इन्हें हम कृष्ण काव्य का प्रणेता कहते हैं, और इनकी रचना कौन सी, महापुराण, रायकुमारचर्यु और जसहरचर्यु दोस्तों। किसकी? पुष्यदंत की, कृष्ण काव्य का प्रणेता कहते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों धनपद, दोस्तों इनकी रचना है भविष्यत कहा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य क्या है? अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? भविष्यत कहा दोस्तों किसकी है? धनपाल की है, ठीक है। अगला है कुशलाभ दोस्तों, इनकी रचना है ढोला मारूरा दूल्हा विरह, ठीक है। चलिए अगला है जिन दत्त सूरी दोस्तों, इनकी रचना क्या है? उपदेश रसायन और रास नृत्य गीत और रस काव्य दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है अवहट, देख सकते हो दोस्तों अवहट, बहुत से लोग दोस्तों अवहट को अपभ्रंश के ही अंदर मानते हैं, ठीक है, बहुत से लोग अलग मानते हैं। तो याद रखेंगे अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया है। किसमें? वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में दोस्तों, ज्योतिषर ठाकुर ने किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपभ्रंश के ही परवर्ती रूप को दोस्तों अवहट कहा जाता है। और आपको बता दें देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति दोस्तों कीर्ति लता और कीर्ति पताका में किया था। आपको पता होना चाहिए ये दोनों ग्रंथ भी पूछे गए हैं कि किसकी हैं, तो विद्यापति के दोस्तों 2021 में। और ये भी पूछा गया था कि विद्यापति ने अवहट में दोस्तों कितनी रचनाएं लिखी, तो 2 रचनाएं लिखी, 2 ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अवहट में विद्यापति ने कितने ग्रंथों की रचना की दोस्तों, 2, ठीक है। कौन कौन सी? कीर्ति लता और कीर्ति पताका, दोनों क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए गए। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को क्या है? अवहट बोला है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, 2021 में। देखिए 3 क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं, अपभ्रंश और अवहट से, ठीक है। चलिए अब देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में इसी साल कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास
किस मतलब विकास अभ्रंश से हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ, तो अभ्रंश से हुआ। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में इस साल पूछा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण दोस्तों किसने किया था, AFR हार्नर ने दोस्तों 1880 में किया है। इसको तीन भागों में बांटा है। पहला प्राचीन हिंदी, आपको बता दें ये 1100 से लेकर 1400 ईस्वी तक चला। इसके प्रमुख कवि कौन थे, अमीर खुसरो चंद्रवरदाई, ठीक है। वही मध्यकालीन हिंदी दोस्तों 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक चला है। इसके प्रमुख कवि कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, और कबीरदास सूरदास, ये सभी कवि थे, है ना, मध्यकालीन के। और आधुनिक हिंदी के दोस्तों, आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक चल रही है, जिसमें दोस्तों मुख्यतः खड़ी बोली का प्रचलन था। इसमें दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद, जयशंकर प्रसाद, निराला जी और बच्चन जी लोग इसमें शामिल थे। चलिए अब हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, आधुनिक जो हिंदी है दोस्तों 1100 से लेकर अब तक, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए हिंदी एक फारसी भाषा शब्द है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हिंदी की उत्पत्ति दोस्तों सौर सैन्य अभ्रंश से हुई, ये भी दोस्तों क्वेश्चन अभी इसी साल भी पूछा गया और ये पुराने साल भी पूछा गया था ना कि हिंदी की उत्पत्ति किस अभ्रंश से हुई है, तो सौर सैन्य अभ्रंश से, ठीक है। चलिए और वर्तमान में दोस्तों हिंदी का प्रतिरूप क्या है, खड़ी बोली, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये देखिए क्वेश्चन इस साल भी पूछा गया और पिछले साल भी पूछा गया था कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जवान को क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। और आपको बता दें कि प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श स्वरूप क्या होता है, मानक भाषा, और मानक भाषा क्या माना गया दोस्तों, खड़ी बोली, ठीक है। चलिए और भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है दोस्तों। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से दोस्तों राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 10 जनवरी दोस्तों विश्व हिंदी दिवस, आपको पता होना चाहिए। और एक चीज बता दें दोस्तों कि वर्ष 1955 में दोस्तों प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, बीजी खेर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और आपको बता दोस्तों कि संविधान में दोस्तों राजभाषा का वर्णन किया गया भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, इसके बारे में पहले बाद बात करेंगे, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें भाषा संबंधी दोस्तों के संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का भी उल्लेख है, क्या 22 भाषाओं का भी उल्लेख है दोस्तों। 10 हिंदी भाषी राज्य है, इनको याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन इस बार बहुत बने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, है ना, और झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। दोस्तों ये 10 राज्य याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों हिंदी भाषी हैं, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इस बार हम छोड़ जाएंगे, ये आपके इसी साल यूपीएससी में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है। पहला हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम या फिर छत्तीसगढ़। दोस्तों इसमें आपको हमें बताना है कमेंट करके कि कहाँ की दोस्तों भाषा क्या है, राजभाषा दोस्तों हिंदी नहीं है, ठीक है। दोस्तों कमेंट कम्प्लेट करेंगे। और आपको बता दोस्तों कि हमारी ई बुक है, अगर इसे आप परचेस करना है दोस्तों, ठीक है, तो ये आप परचेस कर सकते हैं। देखिए ये आपकी हिंदी साहित्य इतिहास, इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा दोस्तों, 50 रुपए की है। और ये समान हिंदी की ये 50 रुपए दोस्तों, ठीक। और ये हिंदी भाषा जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों 25 रुपए की है, और ये 25 रुपए पत्र लेखन की। अगर आप चारों चाहते हैं तो 150 रुपए मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों इसको डायरेक्ट खरीदना, तो नीचे हम लिंक देंगे, वहां से खरीद सकते हैं। या फिर दोस्तों आप हमें इस नंबर पर फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करके जो भी बुक चाहिए दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक। आपको ये बुक प्राप्त करवा दी जाएगी। ई बुक मिलेगी दोस्तों पीडीएफ के रूप में, ये भी याद रखना, पीडीएफ के रूप में, ना कि दोस्तों बुक, है ना, पीडीएफ के रूप में। चलिए दोस्तों थैंक यू। और आपको बता दें एक बार आप जाइए प्ले स्टोर पर दोस्तों, वहां जाकर के आप हमारे प्ले स्टोर पर, हमने प्ले स्टोर बना दी है संपूर्ण हिंदी के नाम दोस्तों, ज्ञान बैच के नाम से, वहां जाकर के आप पूरी हिंदी पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।